हेलो दोस्तों, मैं हर्ष लालवानी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्कल फिटनेस में। आज मैं आपको अपनी फिजिक दिखाना चाहता हूं जो कि बहुत ख़राब हो चुकी है। आज से लेकर 30 दिनों तक मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं, फेट टू फिट ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूं, जो कि मैं आपको अभी अपनी करेंट फिजिक दिखाना चाह रहा हूं। अभी मेरा वेट है 90 kg। आप देख सकते हो मेरी फिजिक काफ़ी ख़राब हो गई है। ये देखिए, काफ़ी पेट निकल गया है, चेस्ट ख़राब हो गया है, आर्म्स भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल शार्पनेस खत्म हो गई है, वेंस नहीं दिख रही है, शोल्डर भी पूरा गोल गोल हो गया है, बैक भी देख सकते हैं आप, साइड से भी फेट आ गया है। ये अभी मेरी करेंट फिजिक है। ये पेट देखिए आप, स्किन बहुत टाइट हो गई है। थाइस भी दिखा देता हूँ क्योंकि मैं शर्म नहीं करता फिजिक दिखाने में। ये मेरी थाइस है क्योंकि साइज काफ़ी बढ़ चुका है। ये देखिए आप, काफ देखिए, ये देखिए आप, काफ़ी गोल गोल हो गई बॉडी बॉडी। ये देखिए पेट। तो आज से लेकर 30 दिनों तक मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करूंगा। फेट टू फिट चैलेंज मैंने अपने आप को दिया है जो कि मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। आज मेरा लेग्स का वर्कआउट है जो कि आज मैं करूंगा, लेग्स और शोल्डर प्लस एब्स भी लगाऊंगा। दोस्तों, जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ तो पहले बीसी डबल बनाता हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि पूरे वर्कआउट में एनर्जी बनी रहे। लेता हूं मैं डेली इंट्रा वर्कआउट। तो दोस्तों, वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है, लेग्स का वार्म अप कर लिया है। अब सबसे पहले स्क्वाट्स लगाऊंगा। स्क्वाट्स का भी पहला सेट कर लिया है, दूसरा लगा रहा हूं 60 kg से। इस तरह 20 रखा, 20 उस साइड रखा, 20 किलो की रॉड है। अभी सिर्फ रेपिटेशन पे ध्यान दे रहा हूं क्योंकि बॉडी शार्प करनी है। वैसे तो काफी ज्यादा वेट लिफ्ट करते हैं लेकिन अभी कम कर रहा हूँ। स्क्वाट्स करने के बाद दूसरा मैं लेग प्रेस लगाता हूँ, तो वो भी लाइट वेट से ही लगाना है। क्या है कि काफी टाइम बाद थोड़ा सीरियसली वर्कआउट कर रहा हूँ, तो इसलिए भी थोड़ा लाइट लाइट वर्कआउट से शुरू कर रहा हूँ, वेट से शुरू कर रहा हूँ। लेग प्रेस है 80 kg वेट लगा हुआ है। पहला सेट इसी से शुरू करूँगा, रेपिटेशन बहुत हाई रखें। पहले सेट में 20, दूसरे में 15, तीसरे में 12 लगा रहा हूँ, इतना ही वेट उठा रहा हूँ सिर्फ। तीसरा वेरिएशन कर रहा हूँ सुमो स्क्वाट्स। सुमो स्क्वाट भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं फ्रंट स्क्वाट्स लगाऊंगा कॉर्ड्स के लिए। कॉर्ड्स में काफ़ी फेट आ गया है, इसके लिए अभी फ्रंट स्क्वाट लगाऊंगा। ये एक स्क्वाट मशीन है, इससे हमारे जिम में मेंबर्स को काफ़ी फायदा हुआ है। जिसकी स्क्वाट की पोजीशन सही नहीं थी उसको लेग्स लगाने में काफ़ी कंफर्ट लगता है और उसको मज़ा भी आता है, उसका पोस्चर भी परफेक्ट आता है। तो इससे हमारे जिम में काफ़ी लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला है। अभी मैं इसमें फ्रंट स्क्वाट लगा रहा हूँ। वैसे तो अपन इसमें 3 से 4 वेरिएशन कर सकते हैं। चार एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, अब 5वीं एक्सरसाइज करूंगा लेग एक्सटेंशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा जिम खाली हो गया है और टाइम हो गया है 1:14। सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं और हम अपनी मेहनत कर रहे हैं अभी भी कंटिन्यू। सर देख पा रहे हैं लेग एक्सटेंशन का थर्ड सेट है ये। पहला सेट 30 से लगाया, दूसरा 40 से और तीसरा 50 से लगा रहा हूँ। इसमें रेपिटेशन हाई रखूंगा। अब देख रहे हैं
पूरी थाई शेयर कर रही है, पूरी थाई झेल रही है, ठीक है करना तो है। अब सिक्स वर्कआउट जो है वो लेग कर्ल करूंगा, उल्टे लेग के अपने हैमस्ट्रिंग मसल के लिए करूंगा। इसमें पहला सेट जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा 40 किलो से, ये सेट भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट काफ मसल करूंगा, सबसे पहले करूंगा स्टैंडिंग काफ, जो कि इस मशीन पे हो जाएगा वो भी, कि वैसे हम लोग स्टेपर पे करते हैं खड़े होके, लेकिन हम हाइपरट्रॉफी नहीं कर पाते क्योंकि कंधों पे वेट नहीं रहता, शोल्डर्स पे वेट नहीं रहता। इस मशीन से अपन अपने शोल्डर पे वेट भी रख सकते हैं ताकि काफ मसल जल्दी मैच्योर हो पाए और उसका हाइपरट्रॉफी हो पाए। अब इसके बाद सिगरेट काफ करूंगा। आप देख सकते हैं हमारे पास जिम में सारी मशीन अवेलेबल है, किसी मशीन के लिए परेशान नहीं होना पड़ता हमको। तो भाई लोग अभी लेग्स का वर्कआउट कंप्लीट करके आया हूँ, हिम्मत नहीं बची है, लेकिन अभी शोल्डर भी करना है और एप्स भी करना है, तो आइए शुरू करते हैं। चलने की भी नहीं बन रही है, शोल्डर वेट के लगाऊंगा। तो जब भी मैं वेट टू वेट करता हूँ अपने आप को, तो रेपिटेशन थोड़े से हाई रखता हूँ और वेट कम रखता हूँ मैं। तो मैं शोल्डर्स का वर्कआउट शुरू कर रहा हूँ 15 किलो के डंबल से। शोल्डर में मैं 3 सिर्फ जरूरी एक्सरसाइज करूँगा जिससे मेरा पूरा शोल्डर कवर हो जाएगा। इसमें मैं सेट्स में रेपिटेशन हाई रखता हूँ, जिसमें पहले सेट में 20, दूसरे में 15 और तीसरे में 12 रेप्स आता है, इतना वेट उठाता हूँ। पहला शोल्डर का पहला वेरिएशन कर लिया है, डंबल ओवरहेड अब मैं लगाऊंगा साइड लेटरल। इसका दूसरा सेट कर रहा हूँ 10 kg से, पहला 7.5 से लगाया था, अब मैं 10 किलो से लगाऊंगा 15 रेप्स। हो गए, हार्ट रेट बहुत बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं 164-165 हो रहा है, हार्ट रेट बहुत तेज हो गया है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपनी बॉडी को, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब भाई लोग अब मैं अपना शोल्डर का थर्ड वेरिएशन कर रहा हूँ। पहला मैंने डंबल ओवरहेड किया, दूसरा लेटरल किया, तीसरा कर रहा हूँ रियर डेल्ट, जो कि मेरे पोस्टीरियर डेल्टोइड के लिए है। इसके लिए अभी मैं थर्ड सेट लगा रहा हूँ, 50 kg वेट सेट किया है, जिसमें मैं 12 रेप्स लगाने वाला हूँ। तीन वेरिएशन शोल्डर के कंप्लीट हो गए, अब मैं एप्स लगाऊंगा। 400 एप्स लगाऊंगा, जिसमें 3 सेट प्लैंक के भी लगाऊंगा 2-2 मिनट के। तो भाई लोग अब मैं एप्स लगाने वाला हूँ। हमने अभी नई एप्स की मशीन खरीदी है जिम के लिए, जो कि बहुत इफेक्टिव है। अगर अपन इस मशीन से एप्स लगाएंगे तो अपने को और कोई भी एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे एब्डोमिनल को कवर करता है। ये एक्सरसाइज करेंगे आपका पूरा एब्डोमिनल का फेट गुम हो जाएगा और आपके एप्स विजिबल हो जाएंगे। ये अब देख रहे हैं मेरा फोटो है, थोड़ा सा पुराना है, 2 से 3 साल पुराना, 2018-19 के आसपास का है, जब मैंने नेशनल कंपटीशन खेला था। उस टाइम मेरी बॉडी काफ़ी शार्प थी, आप देख सकते हो, साइज भी काफ़ी अच्छा है, थाइज भी देख सकते हैं, वेंस भी देख सकते हैं। तो आइए ऐसी फिजिक को वापस लाते हैं और मेहनत करते हैं। अभी मैंने इस मशीन पे 5 kg वेट सेट कर रहा हूँ, हाई रेपिटेशन लगा, कम से कम 30 रेप्स लगाऊंगा, इसलिए वेट लाइट कर रहा हूँ। इस पर आप वेट भी लगा सकते हैं जितना आप चाहें, जितना आप लगा सकें अच्छे से। इस मशीन में अपने को सिंपल बैठना है, बैक को पीछे टच करना है और अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को साथ में स्क्वीज करना है। बहुत पेन हो रहा है पेट में, एब्डोमिनल बहुत पेन कर रहा है, लेकिन इसी एक्सरसाइज से पूरा एब्डोमिनल अंदर जाएगा,
ये जो फेट आ गया है पूरा ऐसे ही कम होगा और एब्डोमिनल वापस विजिबल होंगे जो कि पहले थे। तो भाई लोग अभी 4 सेट कंप्लीट हो गए 30-30 के, अभी 5वां सेट लगाने वाला हूँ 30 रेप्स का, 150 एब्डोमिनल इस पर कर रहा हूँ, उसके बाद वेरिएशन चेंज करूँगा लोअर एब्डोमिनल के लिए। वैसे तो इस पर पूरा एब्डोमिनल कवर हो जाता है लेकिन एक्स्ट्रा में एक और एक्सरसाइज करूँगा। अभी मैं वेरिएशन चेंज कर रहा हूँ, लेग रेजेस लगाऊंगा अभी। हाँ सिर्फ स्टार्टिंग में 2x की सिर्फ 2x करूँगा, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा आज। ऐसे 5 सेट लगाऊंगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो वर्कआउट होना और 32 मिनट्स का हो गया है, जिसमें 973 कैलोरीज बर्न हो चुकी है और हार्ट रेट अभी भी 160 आ रहा है। हार्ट रेट बहुत तेज हो गया है लेकिन करना पड़ेगा, गिव अप नहीं करूंगा। पांच सेट हो गए, अब लास्ट प्लैंक लगाऊंगा। प्लैंक एक बहुत जरूरी एक्सरसाइज है लटके हुए फैट को कम करने के लिए, क्योंकि पेट का भी लटक गया है, एब्डोमिनल बहुत भारी है। तीन सेट कंप्लीट हो गए प्लैंक के भी, अब मैं मेरा वर्कआउट पूरा खत्म हो चुका है, लास्ट बस स्ट्रेचिंग करूँगा, प्रोटीन शेक पीऊँगा और घर जाऊँगा। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप एक ट्रेनर की लाइफ समझते हो कि वो बहुत स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, 11 से 12 घंटे ड्यूटी देता है जिम में, डाइट करता है, बहुत मेहनत करता है अपनी फिजिक बनाने के लिए, दूसरों की फिजिक बनाने के लिए। मैं चाहता हूँ आप हमारी मेहनत को थोड़ा सा देखें समझें और थोड़ा सा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें शेयर करें ताकि हम थोड़ा सा मोटिवेट रहें, नहीं तो कई बार हम लोग भी डीमोटिवेट हो जाते हैं अपनी डाइट को लाना करना, फिर खाना अनफ्लेवर्ड चीज़ खाना, फंक्शन के लिए खाते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाएँ। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक ट्रेनर को समझें, उसकी लाइफ को समझें और उसकी रिस्पेक्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, ताकि हम लोग आगे और अच्छे वीडियोज़ बना सकें, आपको अपना रूटीन दिखा सकें और अच्छे से काम कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी लास्ट अपना प्रोटीन शेक बनाऊंगा। एक स्कूप लूंगा, एक स्कूप से थोड़ा सा ज्यादा है। अब इसके साथ में मल्टीविटामिन फिश ऑयल और कैल्शियम लेता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं मेरे बैग में ये लेता हूँ, ये 3 टैबलेट्स हैं, आप ले सकते हैं अपने वर्कआउट में। दोस्तों प्रोटीन शेक पी रहा हूँ ताकि रिकवरी जल्दी हो पाए और अपने गोल पे जल्दी पहुँच पाऊँ। नेचुरल डाइट में इतना प्रोटीन नहीं हो पाता इसलिए सप्लीमेंट का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है। आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।